Hey all, welcome back to Explore Life 360. This is your friend Shashwati and I hope all of you are doing great. अभी टाइम हुआ है शाम की 5 और मैं किचन में चली आई. एक्चुअली जिया 2-3 दिन से बोल रही है उसे केक खाना है, तो मैं आज बनाने वाली हूँ होल व्हीट का डेट्स केक. मैंने अमेजोन से कुछ बेकिंग ट्रे ऑर्डर किया है. एक्चुअली मेरे पास जो बेकिंग ट्रे था वो काफ़ी पुराना हो गया था, तो इसीलिए मैंने नया मंगवाया है. तो अभी मैं सिलेक्ट कर रही हूँ कौन सा ट्रे में मैं बेक करूँ. सो मैंने यहाँ 1.5 कप व्हीट फ्लावर लिया है और इसमें मैंने 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/3 टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड किया है. अब सारी चीज़ों को मैं छान लूँगी. मैंने करीब शाम के 4 बजे 10 डेट्स को गर्म दूध में भिगो के रख दिया था. अभी ये डेट्स ठंडा हो गया है तो इसमें मैं 4 टीस्पून शुगर ऐड करके इसका एक पेस्ट बना लूँगी. इसका पेस्ट रेडी हो गया है तो इसे मैं ट्रांसफर कर रही हूँ एक बाउल में. अभी इसमें मैंने 1/3 कप ऑयल ऐड किया है, अभी मिक्स कर लिया है मैंने. इसके बाद मैं इसमें 1/3 कप कर्ड मिक्स किया है. अच्छी तरह से मिक्स करके 5 मिनट के लिए रख दूंगी और इस बीच में सारे ड्राई फ्रूट्स को कट कर रही हूँ. मैंने अखरोट और किशमिश और काजू लिया है. अभी थोड़ा सा सॉल्ट मैंने व्हीट फ्लावर में ऐड किया है और अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है. अभी थोड़ा थोड़ा करके व्हीट फ्लावर डेट के पेस्ट में मिक्स करते जाऊंगी. मैंने 1 कप रूम टेम्परेचर की मिल्क लिया है. थोड़ा थोड़ा करके डेट्स के पेस्ट में मैं ऐड करते जाऊंगी और व्हीट फ्लावर को भी धीरे धीरे ऐड करते जाऊंगी और इसी तरह अच्छी तरह से मिक्स करते जाऊंगी. तो 1 कप ऑफ मिल्क मेरा पूरा लग गया है और ये भी अच्छी तरह से मिक्स हो गया है. अभी ड्राई फ्रूट्स को मैं इस बैटर में ऐड कर रही हूँ. थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स में बचा के रखा है गार्निश के लिए. सो केक के टिन में मैंने बटर पेपर रख दिया है, उसे केक के टिन के हिसाब से मैंने कट कर लिया है. अभी सारे केक के टिन को मैं ग्रीस कर रही हूँ थोड़ा ऑयल लगा के. सो केक के टिन को ग्रीस करना मेरा हो गया है. अभी मैं सारे बैटर को केक के टिन में ट्रांसफर कर रही हूँ. मैंने ये बड़ा सा सॉस पैन पहले ही गैस पे चढ़ा दिया था और सॉल्ट मैंने बिछा दिया था. अभी मैं केक के टिन को इसमें ट्रांसफर कर रही हूँ 35-40 मिनट्स के लिए. तो 40 मिनट्स हो चुका है, मैं टूथपिक से चेक कर रही हूँ तो केक मेरा रेडी हो गया है. अभी मैं इसको डिमोल्ड कर रही हूँ. देखने में तो केक बहुत ही अच्छा हुआ है, अभी देखते हैं खाने में कैसा हुआ है. तो अभी मैं केक को कट कर रही हूँ. लुक एट हर एक्सप्रेशन, शी इज सो हैप्पी. और मुझे लग रहा है मेरा केक बनाना भी सक्सेसफुल हुआ है आफ्टर सीइंग हर हैप्पीनेस. आज है नेक्स्ट मॉर्निंग और हम सारा बाहर गए थे कुछ ग्रोसरी शॉपिंग करने. कुछ सामान खत्म हो गया था तो वही लाने हम गए थे और अभी मैं किचन के कुछ चीज़ें रिस्टॉक कर रही हूँ.
सारे बेसिक मसाले जैसे कि जीरा पाउडर, धनिया पाउडर ख़त्म हो गया है, तो अभी मैं वही बना रही हूँ। मैं हमेशा घर में ही पीस लेती हूँ, थोड़ा सा ऐसा रोस्ट करके जीरा या धनिया को, फिर ठंडा करके इसे पीस लेती हूँ। तो वीकली रीस्टॉकिंग इज डन। अभी है लंच टाइम, दोपहर के 12 बज चुका है। आज बनाएंगे दाल मखानी। तो मैंने सुबह ही होल उड़द दाल को मैंने भिगो के रख दिया था, ब्लैक उड़द दाल, और थोड़ा राजमा भी मैंने इसमें मिलाया है। तो अभी मैं बॉईल करने दे रही हूँ। अभी मैं एक बड़े इलायची, एक तेज पत्ता, एक टुकड़ा दालचीनी, थोड़ा सा हल्दी और नमक देके इसे बॉईल करूँगी और ढेर सारा पानी दूंगी, क्योंकि बहुत टाइम लेके ये बॉईल करना पड़ता है। गैस ऑन करते ही मुझे याद आया मुझे इसमें थोड़ा सा गार्लिक भी ऐड करना था, तो मैंने ऐड करके फिर बॉईल करने दे दिया है। तो अभी मैंने कढ़ाई को चढ़ा दिया है। कढ़ाई में मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है 1 टेबलस्पून, और मस्टर्ड ऑयल गर्म होते ही मैंने इसमें ऐड किया 1 टेबलस्पून बटर। देन मैंने इसमें होल जीरा, तेज पत्ता, सूखी मिर्च, देन कुटी हुई छोटी इलायची, एक टुकड़ा दालचीनी, लौंग को ऐड किया है। अभी थोड़ा भून लेंगे इन सबको। थोड़ा सा भून लेने के बाद मैंने इसमें ऐड किया 1 बिग चॉप अनियन। अभी इनको भी थोड़ा अच्छी तरह से भून लेंगे। मैंने 2 टमाटर लिया है, अभी इनका एक पेस्ट बनाऊंगी। तो अनियन अच्छी तरह से भून चुका है, अभी मैंने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट को ऐड किया है, इसे भी थोड़ा अच्छी तरह से भून लूंगी। और जिंजर गार्लिक जब अच्छी तरह से भून जाए तब मैंने इसमें ऐड किया है टमाटो पेस्ट को। थोड़ा सा सॉल्ट मैंने ऐड किया है और अभी अच्छी तरह से इसे भूनेंगे। इधर दाल का प्रेशर निकल गया है और दाल भी मेरा अच्छी तरह से बॉयल हो चुका है। अभी मैं एक स्मैशर यूज करके दाल को थोड़ा सा स्मैश कर लूंगी और सारे गार्लिक को भी स्मैश कर लूंगी। तो दाल मेरा अच्छी तरह से बॉईल हो चुका है और मैंने सारे खड़े मसालों को निकल दिया है। तो टमाटर अच्छी तरह से भून चुका है, अभी मैंने दाल को इसमें ऐड कर लिया है। और घर में मेरा मलाई था तो
हाफ कटोरी मैंने मलाई इसमें ऐड कर लिया है और 1 कटोरी मैंने इसमें मिल्क ऐड किया है और इन सारे चीज़ों को मैं अच्छी तरह से अभी मिला रही हूँ। दाल का बॉयल आता ही मैंने थोड़ा सा कसूरी मेथी हाथों से क्रश करके इसमें मिक्स कर दिया है और 2-3 मिनट अभी इसे बॉयल करने दूंगी और उसके बाद ढेर सारा चॉप किया हुआ धनिया मैंने इसमें ऐड कर दिया है, धनिया पत्ता। तो बस अभी ये रेडी हो गया है। मैंने इसमें थोड़ा सा बटर भी ऐड किया है, आप जितना बटर चाहे ऐड कर सकते हो, मैंने थोड़ा ही ऐड किया है। तो अभी लास्ट में एक मैं ट्विस्ट देने जा रही हूँ। तो मैंने चारकोल को ऐसे कटोरी में लिया है और थोड़ा सा इसमें घी दे के बस ढक के रख दूंगी तो अच्छा सा एक फ्लेवर आएगा। तो गैस को मैंने ऑफ कर दिया है। तो दाल मखनी हो और उसके साथ जीरा राइस ना हो तो कैसा चलेगा। तो मैं अभी जीरा राइस बना रही हूँ। तो मैंने 2 टेबलस्पून घी दिया है प्रेशर कुकर में और सारे खड़े मसाले जैसे कि लौंग, इलायची, दालचीनी और एक बड़ा इलायची भी मैंने इसमें ऐड किया है। तो थोड़ा सा भून जाने के बाद मैंने इसमें राइस को दे दिया है और थोड़ा सा चलाएंगे और अभी थोड़ा सा सॉल्ट मैंने इसमें ऐड किया है। अभी मैं पानी ऐड करूंगी तो जितना राइस जस्ट उसके डबल मैं पानी ऐड करूंगी। सो कुकर का प्रेशर निकल गया है तो मैंने ढक्कन खोल दिया है। अभी मैंने राइस में थोड़ा सा धनिया पत्ता ऐड किया है और सारे चीज़ों को अच्छी तरह से अभी मिक्स कर रही हूँ मैं। सो लंच इज रेडी, नाउ इज टाइम टू सर्व द लंच। तो ये रहा हमारा आज का लंच, दाल मखनी विद जीरा राइस और मैंने उसके साथ अनियन रिंग्स को नमक और लाल मिर्च कोट करके सर्व किया है। और इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर इस वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा है देन डू कंसीडर टू सब्सक्राइब माई चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड बी सेफ।